इसको पता नहीं क्या हो गया, ये मुझसे लड़ने लग गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीफर व्लॉग में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद हारिस। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले जो है हमने लेने जानी है खल, खल गाय के लिए। गाय की खल जो थी ख़त्म हो गई थी, घास भी ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं बाइक पे खल लेने। चलें जी, चलते हैं। ये खल की बोरी लेके हम अभी वापस जा रहे हैं घर। ये हमारा छोटा भैया बाइक चला रहा है। हम खल की बोरी लेके घर पहुंच चुके हैं बस। तो ये है हमारे घर की तरफ जाने का रास्ता। अभी यहाँ पे जो है पहुंच चुके हैं घर। इसको उठा के रखते हैं यहाँ पे। अभी जो है हम छोड़ने लगे हैं भेड़ों को। ये भेड़ों को छोड़ने का वक्त हो गया। घास वगैरह तो हमने अभी उगाया नहीं है, तो इसलिए हम इनको जो है छोड़ देते हैं। ये जी हमारा दुम्बा, उसको भी छोड़ देते हैं। इसको भी छोड़ दिया। अब बकरी रहती है एक, बकरी को भी छोड़ दिया जी। ये छोटी मेमियाँ। अब ये दूसरी साइड पे जाके अपना चारा वगैरह खाएंगे, जो घास वगैरह इनको मिलेगा वो खाएंगे। और यहाँ पे हमारा छोटा भाई लकड़ियाँ तोड़ रहा है। नफीस क्या कर रहे हो? काम कर रहा है यहाँ पे जो जी। हमारा छोटा भाई लकड़ियाँ काट रहा है, उसके साथ हम लकड़ियाँ काट लेते हैं। यहाँ पे लकड़ियाँ काट कर क्या हो गया? ये पता नहीं क्यों चिल्लाने लग गई है। अभी मैंने शायद नफीस को देखा है तो इसलिए चिल्लाने लग गई। ये यहाँ पे लकड़ियाँ काट रहा है। आसानी से कट रही हैं? नहीं। अच्छा मैं काटूं? इधर आओ, तुम वीडियो बनाओ, मैं काटता हूँ। देखो ये लो, इस तरह जो हम इनको काटेंगे ऐसा ऐसा। लकड़ियाँ जो है सारी हमने काट ली हैं कुछ। ये अब मेरा छोटा भाई इनको उठा के घर ले जाएगा। मेरी जो है भेड़ें वहाँ पे गई हुई हैं, दूसरों की ज़मीन में ना चली जाए, तो मैं इनको पास जा रहा हूँ। ये भेड़ें जो हैं सारी यहाँ पे, बकरी भी और ये भेड़ भी यहाँ पे एक साथ चल रही हैं यहाँ पे। लेकिन पता नहीं इन सांप के साथ कौन सा मसला हुआ है, वहाँ पर अकेले अकेले जा के चल रहे हैं।
तो अभी हम इनके पास चलते हैं, इनको वापस लेके आते हैं। पता नहीं किस बात से ये नाराज़ हो चुके हैं। अभी जैसे ही मैं इसके करीब आया हूँ ये भागने लगा है, उनके पास जाने लगा है। अच्छी बात है उनके पास ही जा के चरे, वरना बंदे का ध्यान इधर उधर लग जाता है तो ये जो अकेले चल रहे होते हैं ये कहीं ना कहीं भाग जाते हैं, या फिर किसी न किसी साइड पर उनके जिस साइड पर मुँह हुआ उसी साइड पर चले जाते हैं। भाई सब इसको पता नहीं क्या हो गया, ये मुझसे लड़ने लग गए। ये देख बड़ा बुरी तरह से लड़ रहा है मुझसे। और बस भाई बस मैंने क्या कह दिया तुझे यार, यार ये काफ़ी बुरे तरीके से मुझसे पूरा लड़ने के मूड में और ज़ोर ज़ोर से मार रहा है यार कि मुझे। मुझसे ही लड़ना शुरू हो गया, जैसे भी मैं इसके करीब आया हूँ मुझसे लड़ना शुरू हो गया है। अभी जो है ये पानी पी रहा है। जनाब जो फुल एंग्री मूड में है, इनको शायद गर्मी हो चुकी है, अभी इन्होंने पानी पिया है, पानी पी के अभी कुछ ये जो है ठंडा हुआ है, वरना ये मुझसे लड़ना शुरू हो चुका था। तो अभी मैंने जान छुड़ाई है इससे, अभी पानी वगैरह इसने पिया है, अभी कुछ ठंडा हुआ है। ये अभी इधर पानी के करीब खड़ा हुआ है, लड़ने नहीं आ रहा, मैं समझा कि फिर मुझसे लड़ने आ रहा है। इस वक्त जो है मगरिब का वक्त हो चुका है, अब हम भेड़ों को जो है घर लेके जा रहे हैं वापस। ये देखें जी बकरी पहले से जो है यहाँ पे जा चुकी है, अब इनको हम जो है वापस घर लेके जा रहे हैं और इनको घर जो है जाके बांध देंगे। वैसे इनको जो है हमने यहाँ पे बांध दिया, तो अब हम जा रहे हैं फिर से बाहर। आज का जो व्लॉग है उसका करते हैं यहीं पर एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।